जिहड़ी मोरिंडे जिथे छोटे साहबजादे ते बिरद माता गुजर कौर जी नूं कैदी बना के रखिया गया सी उस शहर अस्थान ते अज एक नौजवान जिहड़ा के सिखी सरूप विच है सने जराबा वो महाराज दे अंदर वड़दा ग्रंथी सिंह दो ताबिया बैठे पाठ कर रहे ने उन्हां नूं आके चपेड़ा मारदा ते पग लैंदी है दोनों दियां पग्गां लैंदियां ते गुरु ग्रंथ साहिब दे सरूप नूं चुक चुक के मारदा इहो जिहियां घिनौनियां हरकतां पिछले लंबे समय तो पंजाब विच वापर रहियां ने लेकिन किसी भी सरकार नूं चाहे वह अकालियां दी होवे कांग्रसियां दी होवे चाहे हुण आप वालियां दा भी तकरीबन सारा सत्यानाश होया पिया ते इह सिखां नूं कदे भी इहो जिहा इनसाफ नहीं मिल रहा। श्री हरिमंदर साहब वर्गे अस्थान ते भी साढ़े गुरु ग्रंथ साहब सुरक्षित नहीं ते जे कोई रोकदा है कोई टोकदा है कि 295 ये धारा लागे तीजे के दिन जी पागल से जी मैंटल से कह के सरकारां छड़ दिंदियां ने इहो जे बंदे नूं उत्थे शरेआम चौंक विच गोली मार के खत्म कर देना चाहिए ता कि कौम के गलों एक कलंक जिहड़ा लोग लगे ने ये लै सकन और लंबे समय तो कौम जिहड़ी है संताप नूं हंडा रही है ते किसे भी सरकार क्योंकि जिन्नी भी सरकार बनदियां किसे दियां भी होण उन्होंने सानू इस मसले ते जागत जोत गुरु ग्रंथ साहब के मसले ते सिखां नूं कोई इनसाफ नहीं अज तक दिता ते ना आप वालियां दी सरकार ने सानू कदे दिता। ये बहुत मंदभागी घटना है ते असी केवल निंदा ही नहीं करते असी कहने भी इहो जिहे बंदियां दा हाशर चुराहे च खड़ा के इन्हां नूं सज़ा मिलनी चाहीदी है बहुत हिरदे वलूंदर दे ने सिखां दे और यही कारण है भी असी सिख समझदा भी साढ़े नाल दो नंबर शहरी वाला वर्ता देश विच हो रहा है ते असी की सुरक्षित होना है जिहड़ा सब धर्मां दे सांझे गुरु ग्रंथ साहिब ने उन्हां नूं भी सुरक्षित नहीं है इस वेले इन्हां सरकारां दे विच बहुत दुखदायक है जी। सरकारी बंदियां दे कोई इन्हां दे जिहड़े जिन्ने अफसर उफसर ने जिन्हें कोई माड़ी जी न्याणे ने घटना वापर जाए ना तो दूजे दिन पताल चों ही खबर कढ लिआउंदे ने क्योंकि सब कोई मिली भुगत नाल चल रहा है सरकारां तां चला रही ने सिर्फ पंजाब च सानू गुलामी का एहसास करवाउणा तो वो साढ़े नाल वर्तारा हो रहा जी। अं बोलेंगे तो अं अतवादी अं वक्वादी जी अं देश धरोही जी सानू डुबरूगढ़ भेजेंगे जी बस आह बीमारी आ होर कोई गल नहीं हैगी।